हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के क्रियान्वयन की समीक्षा, कहा गाइडलाइन का कराया जाए कड़ाई से पालन। कोरोना का जंग जीत कर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने सोमवार को संभाला कार्यभार, कहा कोरोना है घातक बीमारी, बरतें सावधानी, बचाव ही है कोरोना का इलाज। कमिश्नर ने फॉरेंसिक लैब का निरीक्षण कर सीएमओ को दिया निर्देश, कहा 3 दिनों के अंदर शुरू होगी फॉरेंसिक लैब में 24 घंटे कोरोना जांच, जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को मिलेगी राहत। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा हर्षोल्लास के साथ घरों में मनाया दशहरा, दीपावली और छठ सहित अन्य त्यौहार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बचें कोरोना संक्रमण से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना टेस्टिंग के लिए जिलाधिकारी ने लोगों से की अपील, कहा अवश्य कराएं कोरोना की जांच, क्योंकि जांच ही है कोरोना से बचाव का उपाय। 500 एपिसोड के वेब सीरीज क्राइम स्टॉप का गोरखपुर में हो रही है शूटिंग, वेब सीरीज को होस्ट कर रहे सदर सांसद रवि किशन ने दी जानकारी, कहा अभिनेताओं, टेक्नीशियन, कैमरामैन, स्पॉट बॉय सभी लिए जा रहे हैं लोकल। शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर एचपी पेट्रोल पंप के सामने अशोक नगर बशारतपुर में एक किराना स्टोर की दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर चोरी करने का किया प्रयास, दुकान मालिक ने डायल 112 पर पुलिस को दी सूचना, स्थानीय थाने में दी तहरीर। गोरखपुर में सोमवार को मिले 96 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक कोरोना संक्रमित मरीज की हुई मौत, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 17,307, एक्टिव मरीज हुए 1504, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। खोराबार थाने की पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर कसा शिकंजा, 100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 4 महिला शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, शराब भट्टियों को किया जमींदोज, लहन किया गया नष्ट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर सपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके दी श्रद्धांजलि, जिला अध्यक्ष ने कहा लोहिया ने देश की राजनीति में लाई थी बदलाव की लहर। 3 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बड़हलगंज पुलिस ने 2 साथी चोरों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और सरकार द्वारा 62 वर्ष पूर्ण कर चुके आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की सेवा समाप्त करने के शासन निर्देश जारी करने पर दर्जनों आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं ने बैठक कर की चर्चा, सरकार से अपने आदेश को वापस लेने की मांग।